तो गाइज क्या आप भी अपनी इस टाइप की फोटो को देख पा रहे हो कि फोटो ये किस तरीके की लग रही है एंड आप अपनी इस टाइप की फोटो को ऐसा एडिट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को गाइज कंप्लीट देखना। इस वीडियो में गाइज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी फोटो को स्नैपसीड ऐप का यूज करके एक क्लिक में अपनी फोटो को ऐसा एडिट कर सकते हो। आज तक कोई भी आपको ये तरीका नहीं बताया होगा जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज की वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा एंड वीडियो को आप लाइक करके ही जाना, ठीक है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस तरह की सेम टू सेम फोटो एडिटिंग मैं आपको एक क्लिक में करना सिखाऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस लेट गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइज देख पा रहे हो कि हम अपनी फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिए हैं। अब गाइज आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ट्यून इमेज पे चलना है। यहाँ गाइज सबसे पहले काम आपको एम्बियंस को कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। एम्बियंस बढ़ा देने के बाद यहाँ पे आपको शैडोज को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, लगभग आपको इतना बढ़ा देना है। अब यहाँ से गाइज आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, अराउंड आपको 15 रख लेना है, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद आपको सिंपल से डन कर लेना है। अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ टूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, टूल्स पे दोबारा क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको एक ड्रामा का ऑप्शन मिलेगा, ड्रामा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ड्रामा पे क्लिक करने के बाद इसकी फिल्टर स्ट्रेंथ को आपको पूरा जीरो कर लेना है, मतलब थोड़ा सा प्लस साइड आप रख सकते हो चाहो तो इसको एक दो कुछ इतना, एंड ये सैचुरेशन देख पा रहे हो कि पूरा कम है तो इसे हम लगभग इतना रख लेंगे, ठीक है, -34। देन यहाँ से इसको डन कर लेना है। अब गाइज आपको यहाँ एडिट स्टैक पे क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे, देन ड्रामा पे। अब गाइज आपको इस बीच के पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इस अप एरो को आपको 100 कर लेना है। अब फोटो को जूम करना है एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको सिर्फ अपने स्क्रीन पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ आपको स्क्रीन पे ही चलाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको चला लेना है। अब देख पा रहे हो आप चाहो तो अपने हेयर पे भी चला सकते हो ताकि आपके हेयर में एक अलग सा ही इफेक्ट आ जाए और आपकी फोटो एडिटिंग काफी अच्छी हो पाए, ठीक है। अब देख पा रहे हो कि ये स्किन डीसेचुरेट हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा सेचुरेटेड है, आप देख पा रहे हो कि पूरा रेड रेड स्किन दिख रहा है। तो वो सब चीज हटाने के लिए कुछ इस तरीके से गाइज आपको इसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि ये काम मैं जल्दी से कर पाऊँ एंड आगे के स्टेप में आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो गाइज इस इफेक्ट को कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है एंड अभी देख पा रहे हो बिफोर, मतलब ये आई वाले ऑप्शन को आप ऑन करके देख सकते हो कहाँ कहाँ पे आपने इफेक्ट को चलाया और कहाँ पे नहीं चलाया। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है और यहाँ हैंड पे मैंने छोड़ दिया था, देख पा रहे हो। तो इसको रिकवर हम कर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, आपको ऐसे हैंड पे चलाना है, ठीक है। देख पा रहे हो कि आप हैंड पे हमने चला दिया एंड हैंड भी देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छा हो गया, पहले काफ़ी रेड रेड लग रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को गाइज कुछ इस तरीके से आप इफेक्ट को अप्लाई करके अपना फोटो को ऐसा बना सकते हो, ठीक है। मैं बैक करता हूँ एंड ये देखो गाइज फोटो बिफोर में ऐसी थी एंड आफ्टर में ऐसी है, ठीक है। तो इतना काम जस्ट आपको करना है, कर लेना है। अब आपको टूल्स पे दोबारा क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको इस पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्किन स्मूथ की अमाउंट लगभग आपको यहाँ से 23 रख लेना है, आई क्लैरिटी बढ़ा लेना है एंड यहाँ से इसको डन कर लेना है, ओके। अब गाइज आपको टूल्स पर दोबारा क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ट्यून इमेज को सिलेक्ट करना है एंड थोड़ा सा गाइज आपको एम्बियंस को बढ़ा देना है, बिल्कुल ही लगभग 13। एंड गाइज यहाँ पे इतना काम हो जाने के बाद ये बिफोर ये आफ्टर आप देख पा रहे हो, हमारी फोटो कुछ इस टाइप की यहाँ पे हो चुकी है। अभी जस्ट आपको इस शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है एंड इस फोटो को गाइज आपको लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड टू LR कर लेते हैं हम, ये फोटो हमारी लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो जाएगी। अगर आपके फ़ोन में लाइटरूम ऐप नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। तो मैं लाइटरूम में आपको ओपन कर लेता हूँ। ऑल फोटोज पे आपको चलना है एंड ये जो पहले की फ़ोटो है वो हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट एंड आपको ये वाला प्रीसेट गाइज ले लेना है, ठीक है। ये प्रीसेट आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ से ले लूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा इस प्रीसेट का, डाउनलोड दिस प्रीसेट करके। तो इस लिंक पे क्लिक करते ही आप इस प्रीसेट के ऊपर पहुंच जाओगे और इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। या फिर आप www.aryaedits.com पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी गाइज आपको इस थ्री डॉट की आइकॉन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से गाइज डन कर लेना है, आपको ये इसकी सेटिंग जो है कॉपी हो जाएगी। अब अपनी फोटो के अंदर आना है, देख पा रहे हो कि इसी फोटो को गाइज हमने स्नैपसीड ऐप के अंदर से शेयर करके लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड किया था, ठीक है। अभी इस थ्री डॉट की आइकॉन पे क्लिक करना है, जस्ट आपको पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करते आप देख पा रहे हो कि हमारी फोटो कुछ इस टाइप की एडिट हो गई, लेकिन हमने तो थंबनेल पे आपको और ही फोटो दिखाया था। तो ऐसा करने के लिए गाइज आपको
यहाँ से चलना है कलर वाले ऑप्शन में, मिक्स टूल में, एंड यहाँ से गाइज सबसे पहले ये येलो कलर लेना है एंड इसकी ह्यू को कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है, ठीक है, पूरा आगे की तरफ कर देना है। देख पा रहे हो कि फोटो के अंदर हमारे कुछ इस टाइप का ब्लू स्टोन आ गया है, ठीक है, इसे ब्लू तो नहीं बोल सकते बट हाँ कुछ इस टाइप का टोन आ गया है। अभी गाइज आप देख पा रहे हो कि ये दोनों का सेचुरेशन कम है, मैं इसका भी सेचुरेशन रेड का कर लेता हूँ कम, थोड़ा और कर लेता हूँ, देख पा रहे हो, ताकि ये स्किन भी ज़्यादा अच्छी लग सके। ये देखो बिफोर, ये आफ्टर, तो गाइज देख पा रहे हो फोटो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। एंड यहाँ पे ऑरेंज कलर है, इसको कुछ इस तरीके से हम इसकी ह्यू को थोड़ा बढ़ा लेते हैं एंड सेचुरेशन को थोड़ा और कम कर लेते हैं, लगभग सेचुरेशन को लगभग इतना ही रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी गाइज आपको ये इन सारे का सेचुरेशन आपको कम कर लेना है, इनका कोई भी काम नहीं है तीनों कलर का। एंड यहाँ पर टेम्प देख पा रहे हो प्लस साइड है, तो मैं इसको लगभग इतना रख लेता हूँ, प्लस 11, ठीक है। अब गाइज आपको यहाँ से चलना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर, यहाँ से क्लियरिटी को कम कर देना है क्योंकि टेक्सचर ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, तो किसी एक को ही आपको रखना है। यहाँ से मैं विग्नेट देख पा रहे हो कम है, तो मैं इसको इतना सही लग रहा है, इतना ही रहने देता हूँ। अब गाइज आपको यहाँ से चलना है डिटेल वाले टूल के अंदर, एंड यहाँ आपको शार्पनिंग को बढ़ा लेना है, एंड यहाँ डिटेल्स को बढ़ा लेना है, मास्किंग, एंड यहाँ से नॉइज रिडक्शन, यहाँ पे याद रहे कलर नॉइज रिडक्शन भी आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको इस लेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो गाइज ओवरऑल हमारी फोटो देखोगे, ये देखो बिफोर या आफ्टर, तो गाइज देख पा रहे हो कितना बवाल एडिट हो चुका है, काफ़ी आसान था। आई होप गाइज आपको एक एक चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना, लाइक बूके इफेक्ट, ये सब अगर आपको नहीं आता, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए एंड अच्छे से आप सीख सकते हो, ठीक है, कि कैसे बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं, कैसे बूके इफेक्ट डालते हैं। सो आई नो गाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।